तो फ्रेंड्स, आज हम आए हैं जींस वॉशिंग प्लांट में। तो अब आपको हम बताएंगे कि जींस की वॉशिंग होती कैसी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक के पॉइंट में हम बताएंगे जींस की वॉशिंग का प्रोसेस पूरा कंप्लीट कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, ये है जींस का वॉशिंग प्लांट और ये है जनरेटर, ताकि बिजली की शॉर्टेज ना रहे इसमें। जो ये आप सामने देख रहे हो, इसको बोलते हैं वॉशिंग मशीन। और इस वॉशिंग प्लांट के ये है ओनर, यहाँ के मिस्टर खान, यहाँ इस वॉशिंग प्लांट के ओनर है। ये हमें बताएंगे जींस का प्रोसेस पूरा वॉशिंग का, स्टार्टिंग से एंड तक का। तो खान भाई, ये क्या होते हैं? ये वॉशिंग मशीन होती है। ठीक है, इसमें 150 से 200 पीस चलते हैं। ठीक है, इसमें वॉशिंग मशीन पूरा प्रोसेस इसी में होता है। ठीक है, इसमें क्या, ये जींस का कच्चा माल अंदर घूमता है? अंदर जाता है। ठीक है, कच्चा माल जाने के बाद फिर से माल प्रोसेस होने के बाद निकलता है। ठीक है, तो ये सारा कच्चा माल है, अभी अंदर जाएगा इसके? जी, कच्चा माल। ठीक है, सारा भी फाइनल होने के बाद? ठीक है, पल्टी करने के बाद सीधा लैंड ड्राइव होता है, लैंड ड्राइविंग के बाद फिर उसको फाइनल करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, इस वॉशिंग यूनिट में यहाँ पे फिलहाल 5 वॉशिंग मशीन ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखी है, जो कि 150 से 200 पीस पर यूनिट एक बार में ये घूमती है इसके अंदर। ये इनका गोडाउन है, स्टार्टिंग पॉइंट यहीं का रहता है। जैसा कि ये बता रहे हैं आपको, जींस की फैक्ट्री में से डायरेक्ट माल यहाँ आता है, इसके बाद चेक होता है ये सारा। चेकिंग के बाद फिर ऊपर ड्राइव पे चलता है। ठीक है, उसका प्रोसेस आपको बताते हैं। ठीक है, अब हम जाते हैं इसके बाद का प्रोसेस। सबसे पहले ये फैक्ट्री में से, जींस की जो स्टिचिंग वाली फैक्ट्री होती है, वहाँ से माल सारा का सारा यहाँ पे उतरता है। फिर इसके बाद ये जींस का माल आता है, ऊपर आता है, उसके बाद इसकी होती है विस्कर। स्टॉक के बाद जो माल सबसे स्टार्टिंग होता है, विस्कर होता है। ठीक है, विस्कर करने के बाद माल आगे जाता है। जैसे कि आप सब लोग देख सकते हैं विस्कर का पूरा प्रोसेस, कैसे विस्कर होती है जींस में। तो आप देख सकते हैं कितनी मशीनें यहाँ पे विस्कर के लिए लगा रखी है। तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्क्रबिंग। स्क्रैपिंग होता है। ठीक है, ये ऐसे स्क्रबिंग होता है पूरा का पूरा। स्क्रबिंग इसलिए होता है ताकि जींस में फिनिशिंग आए, जैसे रफनेस आती है किसी किसी जींस में, वो सारी ये हट जाती है, ये स्क्रबिंग हो रही है यहाँ पे सारी। अब इसके बाद क्या होता है खान भाई? और जैसा कि आप ये देख सकते हो, यहाँ पे टैगिंग चल रही है, ये सारी टैगिंग हो रही है। टैगिंग होता है, टैगिंग होने के बाद क्या, टैगिंग किस लिए होती है? टैगिंग इसलिए कि जो इसका इफेक्ट आता है वो काला काला भी दिखाता हूँ मैं आपको, ओरिजिनल भी दिखाता हूँ। ओके, ये वाला इफेक्ट जो, अब हम आपको बता रहे हैं टैगिंग होती किस लिए है। टैगिंग के इफेक्ट लिए आता है ये इफेक्ट, इसका डिसेंट। ये जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये इफेक्ट के लिए किया जाता है, ताकि ये साइडों में जो होती है ये इफेक्ट, इससे अच्छा आता है वॉशिंग का, इसलिए टैगिंग की जाती है। और टैगिंग इस तरह से की जाती है, टैगिंग के बाद ये वाला माल ग्राइंडिंग कराते हैं। ठीक है, उसके बाद ये होता है ग्राइंडिंग का प्रोसेस। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं, ग्राइंडिंग की मशीन होती है और ऐसी ग्राइंडिंग हो रही है इसमें। ठीक है, इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है खान भाई? इसके बाद अगला प्रोसीजर आपको दिखाएंगे सीधा। एक बार हम आप लोगों को फिर से दिखा रहे हैं विस्कर का प्रोसेस और स्क्रबिंग का प्रोसेस पूरा कैसे होता है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट प्रोसीजर पे जा रहे हैं, जो कि अभी हमें पता लगेगा नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होता है जींस के वॉशिंग में। जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब वो स्क्रैपिंग, विस्कर, ग्राइंडिंग सब हो जाती है, उसके बाद ये वॉशिंग मशीन्स होती हैं,
जिसके अंदर माल डलता है। और आप जैसे कि आप सब लोग देख रहे हो माल कैसी इसमें डल रहा है। अब इसको माल डलने के बाद इसमें केमिकल्स सिलिकॉन वो सब डल के फिर इसको बंद किया जाता है और फिर ये घूमता है पूरा, वो भी हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अभी देख पा रहे हो आप ये सारा माल अभी इसमें डलना है। अब हम इसके बाद चल रहे नेक्स्ट क्या होता है जींस की वॉशिंग के अंदर, हम आप सभी को वो दिखाएंगे अभी। ये यहाँ का बॉयलर है फ्रेंड्स, 100% गर्म में होता है। तो ये क्या काम आते खान भाई? ये गर्म माल चमक के लिए, माल इंजन के लिए जो गर्म में वॉशिंग होता है, ठीक है, बॉयलर बोलते हैं इसको, स्टीम के लिए। अच्छा, ये गर्म पानी से जो वॉशिंग होती है वो गर्म पानी करने के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है खान भाई? ये सारे जो आप कैंस देख रहे हो ये केमिकल्स और सिलिकॉन जो कि जींस वॉशिंग में यूज होते हैं उन सभी के कैंस पड़े हुए हैं। तो जैसे ही वॉशिंग मशीन से ये माल निकलता है सारा तो वो वेट रहता है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे सुखाने के लिए डाल दिया जाता है। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं ये सारी जींस यहाँ पे सूख रही है। ये सूखने के बाद दोबारा से ये फिर ड्रायर में जाएगा, वो भी हम बताएंगे आपको इसके बाद क्या होगा। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं जींस की वॉशिंग डिफरेंट टाइप्स की कैसी कैसी वॉशिंग्स होती है। अब इसके बाद क्या होता है खान भाई? इसके बाद ये स्प्रे होता है। अच्छा, के लिए जो ये वाइट होता है इसके लिए स्प्रे, ये के लिए स्प्रे करते हैं। अच्छा, स्प्रे बोलते हैं। तो अब आप सब लोग देख सकते हैं जैसे कि जींस की स्प्रे होती है वो हम आप सब लोगों को दिखा रहे हैं कैसे स्प्रे किया जाता है जींस को। तो ऐसे जींस को स्प्रे किया जाता है, जो आप सब लोग बताओगे हमारी जींस में कई बार वाइट स्पॉट से होते हैं, उसको हम क्लाउड वॉश भी बोलते हैं, या हल्का बीच में से फेड कलर होता है, तो उसे ऐसे स्प्रे से किया जाता है। अब इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है? इसके बाद ये मशीनों में जाता है दोबारा, वो ड्रायर मशीन में जाएगा अभी, वॉशिंग मशीन में दोबारा जाते हैं इसके बाद ये, ठीक है। तो वहाँ से जैसा कि हमने आप सबको दिखाया है ये स्प्रे होने के बाद ये दोबारा इन मशीन्स में आएगा और यहाँ पे फिर से इनमें घुमाया जाएगा केमिकल्स और कलर्स के साथ, जिस तरह का भी कलर्स ये करते हैं वैसा केमिकल इसमें डाला जाता है, फिर दोबारा से घुमाया जाता है। फिर प्रॉपर तरीके से ये आता है जींस बन के, जैसा भी जींस मैन्युफैक्चर बोलता है कलर चार्ट के लिए उस तरह के कलर यहाँ पे सेट कर देते हैं और फिर वॉशिंग मशीन में घुमा देते हैं। फिर इसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होता है? फिर नीचे से वॉशिंग होके फिर दोबारा से यहाँ पे ऐसे सुखाया जाता है इस माल को। आप देख सकते हो जींस की वॉशिंग में कितनी बार ये पीस घूमते हैं, धुलते हैं, फिर दोबारा से इन पे काम होते हैं, फिर दोबारा धुलते हैं, फिर ये दोबारा सूखने के लिए यहाँ डाला जाता है। अब हम आपको बताएंगे इसमें डैमेजिंग कैसे होती है। अब जैसे कटी फटी जींस हम बेसिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं, डिजाइनिंग सेट करते हैं, कंप्यूटराइज डिजाइनिंग सेट होता है, ये कंप्यूटराइज लेजर मशीन है और यहाँ पे ये चालू करो डिजाइन सेट कर रहे हैं सबसे पहले और उसके बाद आप देख सकते हैं ये लेजर द्वारा डैमेज किया जाता है। ये लेजर द्वारा डैमेज किया जाता है, ये मारना लग रहा है। जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं डैमेज का पूरा प्रोसेस, इसको हम लेजर डैमेज बोलते हैं। और ऐसी गाइज यहाँ पे दो मशीनें हैं, एक ये री और एक ये है, और ये जहाँ नीचे सारे पीस पड़े हुए हैं सारे डैमेज के लिए पड़े हुए हैं।
तो फ्रेंड्स ये जो माल आप देख रहे हो ये अपना ही माल है, हमारा ही माल है जो कि ये मैन्युफैक्चर हो रहा है यहाँ पे, वॉशिंग होने के लिए यहाँ पे आया हुआ है। इस पर डैमेजिंग वगैरह सब हो रही है यहाँ पे अभी। फ्रेंड्स उसके बाद ये प्रोसीजर होता है, इनको हम टबलर बोलते हैं या वॉशिंग मशीन का जो ड्रायर होता है तो ये ड्रायर भी बोल सकते हैं इसको। ये जींस को सुखाती है पूरी तरह से, तो ये सुखाने के लिए दो। इसमें एक टाइम पे कितने पीस अंदर चले जाते हैं? 150 पीस जाता है, इसमें 70 पीस जाता है। अच्छा, देख सकते हैं ये छोटा टबलर है और ये वाला बड़ा टबलर है, उस वाले में 150 पीस एक साथ सूखते हैं और इसमें 70 पीस एक साथ घूमते हैं और सूखते हैं। अब यहाँ से निकलने के बाद जैसे कि आप सब लोग देख रहे हैं ये यहाँ पे ऐसा पीस अब सुखाने के लिए डाला जा रहा है। इसके बाद ये बाहर आएगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे ना ये चेक होता है सारा का सारा माल, कहीं से कोई डिफेक्ट तो नहीं है या कहीं से कुछ रह तो नहीं गया है। सूखने के बाद एक्चुअल पता लगता है कि आप पीस क्या नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारा माल अपना ही है जो बन रहा है यहाँ पे, जो चेक हो रहा है ये माल भी अपना ही है, ये भी अपना ही है ब्रांडेड वाला माल। ओके, अब देख सकते हो जैसा हमने दिखाया था आप लोगों को कि डैमेज जो होती है उसके नीचे ना कपड़ा लगता है, वो कपड़ा यहाँ पे लगाया जाता है। देखो यहाँ पे सिलाई हो रही है इनकी डैमेज की। करते हैं और ये देखिए कपड़ा कट के जो डैमेज होता है उसके ऊपर सबसे पहले ऐसे कपड़ा चिपकाया जाता है, उसके बाद फिर ये स्टिचिंग पे जाता है जो कि हमने पहले आपको दिखाया था। यहाँ से सबसे पहले उल्टा को पीस को उल्टा करके ये कपड़ा ऐसे स्टिच चिपकाया जाता है, उसके बाद यहाँ पे ऐसे स्टिच होता है वो कपड़ा, फिर ये लास्ट में जो माल बन के तैयार होता है ये माल यहाँ पे सारा इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद जो उसका मैन्युफैक्चरर होता है जींस का वो यहाँ से कलेक्ट करवा लेता है या ये अपने एंड से भिजवा देते हैं जहाँ भी इनकी डिलीवरी होती है। फिर वहाँ से नेक्स्ट वीडियो हम जो बनाएंगे वो बताएंगे हम आपको कि पैकिंग और फिनिशिंग कैसे किया जाता है, लास्ट में जो इसके धागे होते हैं इनके ऊपर जो लेबल्स लगेंगे वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कैसे लेबल्स वगैरह इसमें लगते हैं और फिर रेडी टू सेल पीस कैसे फैक्ट्री से बाहर आता है। अब हम चल रहे हैं इनके ऑफिस में जहाँ हमें पता लगेगा और ये हमें दिखाएंगे कितनी तरह की वॉशिंग ये करते हैं और कौन कौन से पीस ये तैयार करते हैं। तो अब हम इनके ऑफिस में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब हम जा रहे हैं इनके ऑफिस में। अब ये देखो ये इनका ऑफिस है और जैसे कि सैंपल्स पड़े हुए हैं सारे के सारे। कान भाई एक दो पीस खोल के दिखा दो किस किस तरह की वॉशिंग होती है। शाइन वॉशिंग बोलते हैं। अच्छा, इसको शाइन वॉशिंग बोलते हैं। ठीक है, ओके। और ये ब्लैक वाला है जो अच्छा इसका ब्लास्ट वॉश बोलते हैं और ये डैमेज हो रखा है, इसमें लेजर डैमेज हो रखा है। ठीक है, ये ओडी प्लस टावर होता है। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉशिंग है फ्रेंड्स। और ये जो आप सब लोग देख रहे हैं ये जो स्क्रैच, इसको हम स्क्रैच बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पार हो गया नाम ओडी वाला प्लेट प्लीज। ठीक है, जैसा कि आप सब लोगों ने देख लिया जींस की वॉशिंग का पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक, किसी भी भाई को रिटेलर को या होलसेलर को अपना माल कटवा के और वॉशिंग करवानी है तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका फ़ोन नंबर और डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आप इनसे डायरेक्ट फ़ोन करके पता कर सकते हैं क्या रेट है और कैसे चल रहेगा सारा सब कुछ, वो आपको ये बता दिया जाएगा। हम आप इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसकी पैकिंग एंड फिनिशिंग कैसे होती है।